Hey guys, welcome to our new channel TTW Vlogs. आप लोगों को तो पता होगा भाई TTW Vlogs का मतलब क्या है, ट्रिप द वाइल्ड व्लॉग्स। और इन दोनों का इसका मीनिंग कुछ और ही है, जैसे टिंकू तुषार व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप लोग भाई? आप सभी का ना दिल से शुक्रिया, बिना कोई वीडियो के इतना सारा सब्सक्राइबर देने के लिए आप लोग भाई कसम से गजब हो, ठीक है ना। तो अभी देखो, ब्लॉग पहला ब्लॉग कुछ एक्सोटिक लोकेशन वगैरह अच्छा जगह होना चाहिए, लेकिन भाई आप लोग सोच रहे हो क्या है घर के अंदर, कहाँ पे क्या कैसे नहीं बना रहे, लेकिन उसका एक रीज़न ये है, तो पता है हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड जाने वाले, तो उसके लिए ना हम लोग का प्रिपरेशन ज़ोरदार शुरू हो गया है। और उसी रीज़न है कि भाई अभी से ना ऐसे उत्तराखंड वगैरह, आसाम वगैरह ऐसे बहुत सारे ट्रिप होने वाले हैं, और हमारा जो ट्रैवलिंग का जो फन है मस्ती, क्योंकि हम लोग अभी से एक्साइटेड है ना उत्तराखंड जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो सोचिए, अगर इतने एक्साइटेड हम लोग हैं, हम लोग सारा पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं वगैरह, सामान आ रहा है, कितना कुछ ऑर्डर किया जा रहा है, उसके बाद जो ऑन द वे कितना मस्ती होगा, ये सब चीज़ ना आप लोग को भी शेयर करें। तो इसीलिए बस यही चैनल ओपन कर दिया हूँ। आप लोग का भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि भाई ब्लॉग चैनल खोलो, ब्लॉग चैनल खोलो, लो बस आ गया। अभी इसमें प्यार ना भाई, मतलब ठोस के भर देना इसके अंदर प्यार, ठीक है। तो मैं हमेशा अपना लाइन से भटक जा रहा हूँ। तो आप लोग जो पीछे देख पा रहे हो, हम लोग उत्तराखंड जाने के लिए ना बहुत सारा शॉपिंग के लिए अब तक 16,000 रुपये का शॉपिंग हो चुका है, और तो बाकी है अभी अभी बाकी है। तो अभी यहाँ पे 12-13 यहाँ पे 14,000 का सामान है, ठीक है ना। तो बस वही आप लोगों को दिखाना है अभी फिलहाल के लिए। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या सामान आया है अब तक के लिए। तो ये रहा एक सामान, ये एक सामान, ये तो देख के समझ में आ ही रहा होगा, और ये भाई एक सामान, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है ना। ये मस्त चीज़ है, बड़ा मस्त चीज़। इसको साइड में रखते, पहले बैग ओपन करते हैं। नहीं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि भाई ये भी एक गजब का चीज़ है, जो आप लोग को देख के ना मन खुश हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंपिंग के लिए बहुत सही चीज़ है। इसको ओपन करो, चलते चलो जी। इसका जो क्वालिटी थोड़ा वीक लग रहा है, साथ में इतना ही मिलेगा। तो हम लोगों को जो चीज़ चाहिए था, है ना, उसका प्राइस अच्छा क्वालिटी का जो डिकाथलॉन का लेते, उसका इससे डबल था, 6,000 रुपये, और ये तो भाई उसका आधे में आ गया। इसका जगह देखना है, यहाँ भी खोल सकते हैं। एक्चुअली जगह तो बहुत है, नहीं जगह बहुत है। 85 लीटर्स का है ये, इसके साथ अटैचेबल बैग भी मिलता है, डिटैचेबल। ये रहा, ओ देखो मिनी बैग है, बढ़िया है ना, मस्त है, एक्चुअली बढ़िया है मिनी बैग, ऐसे लगा और चलो मस्त है। ओके चलो, हो गया ये बैग तो हो गया, हम लोग को भी बगल में रखते हैं, और अभी आते हैं दूसरे सामान को। और क्या है, कुकरी की तरह कुकरी ही चाहिए, अनबॉक्सिंग करना है। और ये भी एक्चुअली और एक चीज भी लिया हूँ, ये वाला ये मम्मी गिफ्ट किया मेरे को, ठीक है ना। मम्मी बोली है कि मेरे पास था नहीं एक भी, ये ऑर्डर कर लिया भाई, जंगल में अभी गर्मी का टाइम है ना, इससे बढ़िया काम आएगा, मस्त बढ़िया है वाला। ये भी 1,000 रुपये में आया, इसका प्राइस ज़्यादा था, पहले भी ऑफर देख के खरीद लिया, बढ़िया है। अब इसको करता हूँ अनबॉक्सिंग। चलो शुरू। ये देखो, अनबॉक्सिंग के लिए खुकरी लेके आया है, लेकिन इसमें ये नहीं है। क्या चीज है, क्या चीज है, ये तो उल्टा है भाई। ये देखो गाइस, भाई ये ना मैं कब से ढूंढ रहा था, ऑनलाइन में देख रहा था, इसका प्राइस करीब 2,000-2,500 इस टाइप का कुछ आ रहा था, 1,500-1,600। भाई डिकाथलॉन से लिया हूँ, 1,000 रुपए का, मस्त साइज में है भाई, अब मजा आएगा, चाय खाने में कॉफी पीने में मजा आ जाएगा भाई। और एक चीज क्या है ना, जब उत्तराखंड जा रहे हैं वहां पे तो भाई स्नो कैंपिंग होने वाली है, और स्नो कैंपिंग में ये चीज स्नो डाल के पूरा पानी हमेशा बढ़िया आग के ऊपर ऐसे ही लटका के रखेंगे, मस्त बढ़िया लगा भाई ये चीज। चलो, और अभी इंटरेस्टिंग वाली चीज, लेकिन ये जो चीज है ना, इसको मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता,
इसको चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाके ओपन करते हैं। और भाई मेरे को लग रहा है ये चीज़ जो आया है ना, इसके वजह से बाहर का मौसम ना कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त किया हुआ है। हाँ। इसके लिए परफेक्ट है। अगर चलो चलो अगर मगर मगर चलो हम तो देख रहे हैं बाहर का भाई क्या ही जबरदस्त, पूरा क्लाउड भरती बड़े हैं भाई आज। बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है कैंपिंग में जाने का, लेकिन टाइम उतना है नहीं कि जा सकते, नहीं मजा आता है लेकिन कैंपिंग जा सकते तो मस्त मौसम बढ़िया। इतना गर्मी के अंदर बहुत दिनों बाद बारिश देखने भी आ रहा है, मस्त ना ठंडा ठंडा। ओके चलो बारिश तेज आने से पहले हम लोग चलते, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। और देखिए गाइस यहाँ पे हमारा घर है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहे हैं, आप लोगों को दिखा देंगे आगे। चलो चलो अरे भाई जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में ही ना, पुराना प्यार। चलो क्या आप लोग अब तक गेस कर पाए हो कि भाई हम लोग क्या वो सामान है दिखाने जो इतना दूर जा रहे हैं, पता नहीं स्कूटी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। गेस करो, गेस कर लेना चाहिए अब तक। इसने गेस कर लिया जल्दी से लेने से कम भाई ये मौसम ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाकर हम लोग सामान दिखाएं और वहीं पे रुकना पड़े। हाँ। है ना। हाँ। बारिश के चलते पहुँच गए हमारा जो स्कूल का फील्ड है उतना खुदा हुआ कि हुए अंदर वो पिच बन रहा है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट पिच बन रहा है भाई भाई साहब बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं चीज को ओपन। कुछ आवाज ये भाई कब से इंतजार था इसका कि कब हम लोग आ जाओ दोस्त मेरे लॉर्ड मेरे मुन्ना। चलो जल्दी से करते हैं सेटअप। रेडी अब तक तो भाई गेस कर ही लिए होंगे। ये क्या है इसको उसको रख यहाँ पे मत फिर। ये एक है भाई टेंट, क्योंकि इस बारिश का मौसम जो आ रहा है स्नो कैंपिंग करने जा रहे हैं, ये टेंट का ना बड़ा ही मस्त यूज आने वाला है, देखना कितना बढ़िया टेंट है। टेंट है यार तो लाइट क्यों नहीं लाया रे भाई साहब, देखो कितना मस्त है बारिश के टाइम के लिए। ये जो रहेगा खाना वाना बनाओ नहीं बढ़िया से आराम से यहाँ पे बैठ के खाना बनाओ, और अंदर वहाँ पे बेडरूम। मुझे तो अपना जो कुकिंग स्पेस बड़ा मस्त लगा है ना। हाँ। अरे गाइस यहाँ पे विंडो भी दिया हुआ है लिटरली, ये देखो विंडो दिया हुआ है उसे देख पाएंगे बाहर। तो गाइज आप लोग तो देख लिए हमारा क्या क्या सामान आया है क्या नहीं वगैरह, वो दोनों अभी भी अंदर से अभी निकलो पैक करके जाना है, तो अभी भी जाके हम लोगों ने बहुत सारा काम बाकी है, सारा प्रिपरेशन वगैरह करना है। तो चलो फिलहाल अभी इसको पैक करके घर चलते हैं। So, अभी वजह है सुबह के 7 और हम लोग पूरा आ गए पैकिंग करने के लिए, और यहाँ पे जितना भी सारा सामान है हम लोग लेके जाने वाले, सारा सामान रखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारा सामान है जो कि भुवनेश्वर में है, यहाँ पे डिलीवरी नहीं था तो वहाँ पे ऑर्डर किया, तो आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या सामान अभी हम लोग को पैक करना है। पूरा सामान
ये सारा जाने वाला है, ये एक कैंपिंग बैग है नया वाला लिए है हम लोग, आप लोग तो देखे ही हो। और दूसरा वाला ये है जो हमेशा कैंपिंग में लेके जाते हैं। गाइस आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में दिखा देता हूँ सामान। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तीन रेनकोट है, वहाँ पे बारिश होता है चांसेस है तो उसको लेके जाएंगे। भाई ये हमारा नैपकिन्स है, लाइट, ये यूटेंसिल बर्तन वगैरह, नाइफ वगैरह सारा। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल, हम लोग पता ही है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये रहा गैस कैन, इतने में नहीं होगा, और भी ऑर्डर किए हैं जो भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में करीब और 10 है। और यहाँ पे सारा स्पाइसेस वगैरह रखा हुआ है, बहुत सारा स्पाइसेस, सॉस वगैरह, सोया सॉस, उसके बाद ऑयस्टर सॉस वगैरह सारा सब रखा हुआ है। और गाइस यहाँ पे आता है हमारा खाने का सामान, नूडल्स, उसके बाद स्पेगेटी, यहाँ पे ग्लास नूडल्स रखा हुआ है, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत सारा खाने का सामान है। और भी खाने का सामान जो है भुवनेश्वर में है। तो बिना कोई बात किए जल्दी से काम कंप्लीट करते, तब बड़ा एक टेंशन सर से ऐसा फील हो रहा है, मतलब उत्तराखंड जा रहे हैं, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारा फैक्टर्स है ना जो एक्साइटमेंट को कम कर रहा है। ये जैसे कि देखो हम लोग का जो टिकट है आरएसी में हुआ है, तो एक दिक्कत है, यहाँ से पूरा दिन भर का जर्नी बस में करना पड़ेगा बैठ बैठ के, फिर वहाँ पे पहुँचेंगे जाके सुबह 8-9 बजे कल, ठीक है, फिर वहाँ से सिर्फ 12 बजे के अंदर फ्रेश होके फिर से निकलना है उत्तराखंड के लिए, मतलब लखनऊ के लिए। तो वो एक और बड़ा एक टेंशन है, जैसे लखनऊ जाना है, लखनऊ जाके फिर वहाँ पे लंबा रेस्ट है भाई, बहुत दिक्कत की बात है। फिर लखनऊ से काठगोदाम से फिर बस लेके वहाँ का करीब 300 किलोमीटर है, पता है कितना टाइम लगता है कवर्धन में? 12 घंटा, 300 किलोमीटर 12 घंटा लगता है। ठीक है भाई, क्योंकि मतलब ट्रेन से, ट्रेन पहाड़ी के इलाका नहीं भाई, मैं इधर से हम जाते हैं नॉर्मल 170 किलोमीटर 5 घंटा लगता है, 170 किलोमीटर। हाँ वो भी सही बात है, अलवर से पहाड़ी का रास्ता 12 घंटे। तो भाई भयानक जर्नी होने वाला है, मजा आएगा या फिर सजा आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, पता चलेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करें। सो गाइस हम लोग का सारा पैकिंग हो चुका है, बस स्टैंड में आ गए, थोड़ा लेट हो गया, बस भी आ गया है, जल्दी बुला रहे, तो जल्दी से कवर अप करते हैं सारा चीज़ को। देखिए सामान वगैरह, इसमें देखिए कितना बड़ा सामान है, एनर्जी ड्रिंक को अकेला पी रहा है, और ये एक है, और ये है मेरा एक भाई तो सारा हेल्प कर रहा है, ये है तुषार की बहन, चलो, और भाई बस हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, तो जल्दी से सामान अंदर रखते हैं और भाई जल्दी से निकलना है यहाँ से। चलो ये लोग बड़े महादेव का भक्त है, हम जा रहे हैं महादेव के पास, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना, प्रसाद लेके आना, प्रसाद लेके आना। हेलो भाई, बाय बाय, टाटा, चलो अर्जुन भाई टेक केयर, चलो लड़ लो, एक महीने तक लड़ नहीं पाओगे, लड़ लो थोड़ा तुम लोग, है ना भाई, बाय बाय, हाँ चलो बाय बाय बाय, चलो आ गए। ये देखिए हमारा सीट नंबर कितना था रे? 19-20, हाँ ये था 19-20, और उसके ऊपर वाले 6 नंबर है क्या? चलो गाइस उत्तराखंड का ट्रिप शुरू हो चुका है, बहुत ही लंबा ट्रिप, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, शायद हार्ड वर्क बहुत होगा, बहुत दिक्कतें आएंगे और मस्ती तो होगा ही भाई, तीनों जा रहे हैं तो मस्ती तो होना ही है भाई। आप लोग तो देखते हो भाई कैंपिंग में, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते भाई, इसमें घंटा कंट्रोल चलो ये देखिए गाइस, आप लोग हमारा थोड़ा गांव थोड़ा दिखा देते हैं, दूसरा सबको बाय बोलते बोलते जा रहा है, बाय बाय बाय, थैंक यू भाई। ये हमारा छोटा सा गांव है, आज का मौसम बड़ा सही है ना, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं तभी मौसम ऐसा दे रहा है, कैंपिंग के टाइम में तो भाई कड़कती धूप देता है।
बाय बाय बाय। अरे ये देखिए भाई, अगर आप लोग पहचानते होगे तो बच्चा को बाय 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 बाय। अच्छे से जाना, रोटी पानी खाना। क्या बोल रहा है? और जाने का ये क्या दे रहा है बे? यहाँ पे यहाँ से जा रहे, थोड़ा कुछ दे के भेजना चाहिए, गर्मी में जा रहे। कैसा भाई है यार, दुकान है, आओ अभी आओ उतर के आओ। उसको कौन दिया रे मॉन्स्टर? वही तो अभी बोल रहा था, दिया कौन उसको? वो खुद खरीदा? क्या इंसान है भाई, देखो। नहीं नहीं इधर अपना मुंह दिखा बे, मुंह दिखा, लव अकेला खुद खरीद के पी ले। लौंडे, हाँ लौंडे, रुक जा भाई, रुक जा, दिखाते हैं भाई, हम पीते अपना अपना एनर्जी। पहुंच गए मालकानगिरी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो भी बोल सकते हो, मालकानगिरी पहुंच गए। देखो इसका हालत है। अरे ये देखो टिंको क्या कर रहा है, आराम से विंडो स्लीपर एक मिल गया है। तो क्या दिख रहा है, ये कौन सा मूवी है? और लग रहा है बहुत ही ज्यादा पुराना है। एनटीआर का, एनटीआर का जूनियर, एनटीआर का। जाने का नहीं रे बाबा, जाना है जाना है, खाना है कि नहीं? चलो जा जल्दी आओ। बंदा लक्ष्मीपुर कोरापुट का है भाई, बहुत ही फालतू खाना बनता है, पता नहीं भाई, हर कोई बस यहाँ पे ही आके रुकता है। अभी टाइम कितना भाई, 10 बजे हैं, तो और भी बहुत सारा ढाबा है वगैरह, लेकिन यहीं पर रुकेगा हमेशा और बस खाना खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी डिनर कर लेते हैं भाई, क्या खाना है चलो देखते हैं। मेन्यू कार्ड देखेंगे, मेन्यू में क्या होगा, हवा खाएंगे ना। सब कुछ रेडीमेड ही मिलता है, चावल दाल, ये कौन सा सब्जी है पता नहीं, ये भी पता नहीं, ये टमाटर का क्या नहीं पता नहीं, करिएश है ये तड़का, दाल तड़का, ये सब तो पता है, चना मसाला। और ये क्या है, परवल है, आलू परवल है, परवल है। तो चलो खाते हैं फिलहाल, यहाँ पे बैठो, खाली जगह है भाई। एक काम करो, एक चिकन ले लेता हूँ, अंडा तड़का ले लेता हूँ। एक चिकन, एक अंडा तड़का और तीन रोटी लगा दो। तीन रोटी मतलब तीन जगह पे। हिंदू ने क्या बोला, तीन रोटी? अरे तीन रोटी मतलब देखो, बंदा समझ गया, सीधा निकल गया। एक रोटी तो कहीं खाएगा नहीं, इतना बड़ा है, छोटे बच्चे थोड़ी है। हम लोग थोड़ी ना डाइट कर रहे हैं। और टिकू को तो भाई मिला है क्या, बेस्ट फूड रिव्यूअर अवार्ड मिला है। नहीं आज का फूड रिव्यू देना, ठीक है, बढ़िया रहेगा। जब हम लोग कैंपिंग में रिव्यू देते हैं, अभी यहाँ पे रिव्यू देंगे, हाँ कैसा करना है। कॉमेंट आएगा, ओवर एक्टिंग शुरू हो गया। अरे भाई बहुत फास्ट डिलीवरी है, जल्दी से आ गया। ये रोटी गरम है ना पूरा? हाँ गरम है। तो चिकन कैसे है ना? चिकन ये अंडा तड़का पूरा जो बोला तो वही भाई चलेगा। नहीं दौड़ेगा, चलेगा सर। हाँ चिकन खा के देखते हैं ना। या दौड़ा चल रहा है, देखते खा जाओ।
चिकन तो भाई वही जैसा टेस्ट सो सो ये सही है। एक्चुअली ना मुझे ना तड़का पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मैं तड़का कभी पसंद नहीं है। चिकन चिकन बस ऑर्डर कर लिया खा लेते हैं। चलो गाइस हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं ना। खाना के बाद भाई सिगरेट नहीं हम लोग शरीफ हैं। तो भाई खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स ठंडे मौसम में बनता ही है, ठंडा अच्छा है ना इस एरिया में। इसलिए भाई यहाँ पे भाई उड़ीसा का भाई कोरापुर जो एरिया है ना भाई बहुत ही ठंडा रहता है ना बढ़िया। पर ये कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड चलो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए भुवनेश्वर सुबह के बजे अभी 7 और ये देखिए हमारा सामान सारा अभी फिलहाल आप लोगों को दिखा रहे पूरा सामान है ना। चलो इसको साइड पे करते हैं ऑर्डर ही कर लेते हैं ना। चलो चलो हम लोग जाते हैं अपने दोस्त के घर वहाँ पे जाके फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। उसके बाद मेरे को सामान भी खरीदना है नहीं तो SSD खरीदा हूँ लेकिन उसका एडेप्टर नहीं खरीदा हूँ, इंटरनल SSD है तो उसको मैं एक्सटर्नल जैसे यूज़ करने वाला हूँ तो वो चाहिए। चलो सठे ना चल रही भाई आम 70 मान ले तो पहुंच गए अपने दोस्त के रूम और भाई देखो कितना बढ़िया खाना बना के रखी है ना। बहुत सारे टाइम लोग को दिखाता हूँ भाई सुबह सुबह उठ के इतना सारा कुछ बना ही है भाई। खुश क्या भाई हम भी खुश हम भी खुश। ये देखिए गाइस ये है दाल और ये मच्छी मच्छल और ये है दही बैंगन दही बैंगन और ये क्या है फिश के अंडे से कुछ बनाया गया फिश का जो अंडा रहता है ना उससे कुछ बनाया है भजिया। तो जल्दी से खाते हैं और अभी टाइम हुआ है करीब 9:40 जल्दी से यहाँ से खा के हम लोग को निकलना है सारा सामान लेके स्टेशन तक चले जाएंगे और फिर वहाँ से मुझे 2 सामान खरीदना है। एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है अगर खरीद पाया तो मज़ा आ जाएगा बहुत ही मस्त सरप्राइज है। दूसरा वाला हार्ड ड्राइव का एक कनेक्टर चाहिए जिसके बगैर हम लोग डाटा स्टोर नहीं कर सकेंगे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ठीक है। चलो जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं।